हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा ड्रेस की वीडियो शेयर करना चाहूँगी, जिसे आप घर पर ही अपने बचे हुए कपड़े, साड़ी या दुपट्टे का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। बहुत ही क्विक DIY है एंड आप नॉर्मल से कपड़े को लाइक 100-150 के ड्रेस को, मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते हैं ब्यूटीफुल से गाउन में, जो बहुत ही प्यारा लगेगा। इसे आप कॉलेज में या कैजुअली ऐसे लंच या ब्रांच पे कैरी कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है कॉटन का फैब्रिक। मैंने बॉटम का घेरा के लिए इस्तेमाल किया था कॉटन का दुपट्टा एंड ऊपर के टॉप के लिए मैंने हाफ मीटर, लाइक लेस देन हाफ मीटर मैंने इस्तेमाल किया था ऊपर का मटेरियल क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं ऊपर का ब्लाउज क्रिएट करूँगी, जिसके लिए मैंने कपड़े को एक बार ही हाफ में फोल्ड कर लिया है एंड देन अब हम इसे दोबारा फोल्ड कर लेंगे। दो बार फोल्ड करने के बाद आपने अपना मेजरमेंट कर लेना होगा। जितना भी आपका मेजरमेंट है बॉडी का, उसको आपको डिवाइड करना होगा 4 से। सो यहाँ पर लेंथ सबसे पहले मैं मेजर कर रही हूँ। ऊपर मैं स्ट्रैप्स अटैच करूँगी 4 inches का, इसलिए लेंथ यहाँ पर मैं रख रही हूँ 10 inches, क्योंकि 4 inch का स्ट्रैप्स हो जाएगा तो हमारा ब्लाउज का टोटल मेजरमेंट हो जाएगा 14 inches। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए 10 inches का मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। आप फोल्डेड साइड से आपका अपर चेस्ट जितना भी है उससे आप 4 से डिवाइड कर ले। तो यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड कर लिया है, तो मैंने 7 inches पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया है। कमर का हिस्सा भी आपका जितना भी है उसे 4 से डिवाइड कर ले एंड इन दोनों को मिला ले। 1 inch एक्स्ट्रा ले लीजिए सीम अलाउंस के लिए। सो अब यहाँ पर मैंने फोल्डेड साइड पर 2.5 inch पे एक पॉइंट ड्रॉ किया है एंड ऊपर की ओर मैं 5 inch पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी। सो यहाँ पर हमने इसे ड्रॉ कर लिया है, अब इन दोनों को मिला लेना होगा एंड जहाँ पर हमने साइड फिटिंग्स किया है वहाँ पर भी 2.5 inches पे एक पॉइंट ड्रॉ करके इन्हें भी मिला लेंगे। अब इन सारी मार्किंग को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब मैं इसे खोल लूँगी। खोलने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके का हमें फैब्रिक नज़र आएगा, टॉप आगे के लिए एंड पीछे के लिए, दोनों के लिए हमें ये फैब्रिक नज़र आएगा। यहाँ पर मुझे अस्तर की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरा फैब्रिक ऑलरेडी थिक इनाफ था। अगर आपको ज़रूरत होगी अस्तर की तो ऐसे ही 4 मेजरमेंट्स आप कट कर लीजिए, 4 पीसेस, इन्हें एक के ऊपर एक रखे आप सिलाई कर लें। सो यहाँ पर अब मैं लेस से ज़रा सा इसे एनहांस कर लूँगी। मैं लेस की स्ट्रैप्स अटैच करूँगी, एक स्ट्रैप होगी 8 inch की जो फोल्ड होकर 4 inch हो जाएगा। आप बॉटम पर भी लगा सकते हैं लेस, आप जिस तरह चाहें तो आप इन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके रॉ एजेस को हेम कर लेंगे, साइड सी लेंगे एंड इस तरीके से मैं लेस भी लगा लूँगी स्ट्रैप्स की जगह पर। अब नीचे के घेरे के लिए मैं दुपट्टे का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर 2.5 मीटर का दुपट्टा है, इसमें छोटे छोटे चुन दे दूँगी मैं ऑल ओवर। चुन देने के बाद अपना जितना आपकी कमर का मेजरमेंट है उतना कपड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। सो यहाँ पर मेरा ब्लाउज प्रिपेयर हो चुका है। ब्लाउज को प्रिपेयर होने के बाद इसे मैं इन्हांस कर लूँगी। इन्हांस करने के लिए मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट के शॉप से इस तरह के फ्यू मटेरियल्स जो 5-10 rupees में ईजिली मिल जाता है, इसका मैं इस्तेमाल कर लूँगी। फ्लावर शेप देते हुए इन्हें ऑल ओवर अपने ड्रेस पे अटैच कर लूँगी। मैंने सिर्फ बॉडी पे यहाँ पर अटैच किया है, अगर आप चाहें तो नीचे के घेरे में भी अटैच कर सकते हैं इसे और ज़्यादा हैवी लुक देने के लिए। अब बस नीचे का घेरा इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। चुन दे दिया है मैंने ऑलरेडी, इसका घेरा इसके ऊपर अटैच करने के बाद हमारा ये ड्रेस कंप्लीट हो जाएगा वेयर करने के लिए। बहुत ही क्विक था, इवन इफ आप बिगनर हैं तो भी आप इसे ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लिए। सो गाइज, आई रियली होप आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी क्विक एंड ईजी लगा हो। इसे आप एवरीडे कैरी कर सकते हैं, कॉलेज में भी इस ड्रेस को बहुत ही ईजिली कैरी कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा एंड बहुत ही कम खर्चे कर आप इतना प्यारा सा ड्रेस बना सकते हैं खुद घर पर। बिगनर हो तो भी सिलाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।